आग दिखाने आ गई। क्या प्रॉब्लम थी आँखों में आपके? ये आँखों में है ना सफेद हो गया है थोड़ा सा। बेटी का चेकअप हुआ है, अब डॉक्टर साहब से मिलना है खाली और उनसे ले मशवरा करना है कि मतलब क्या मेरी बच्ची को बताने के वास्ते। क्या प्रॉब्लम थी आपकी बच्ची को? उसको जरा आँखें के यानी देखने में प्रॉब्लम था, मगर अभी हम देख रहे हैं कि कई सालों से छोटे बच्चों में जहाँ अपन बोलते हैं कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है उनमें चश्मा लगने का प्रमाण बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। और दूर दूर से यहाँ पेशेंट आए हैं तो आँखों की बीमारियाँ बढ़ती जा रही है सर, तो क्या कहेंगे सर आप? नहीं देखिए बीमारियाँ तो एक बात अलग है, मगर अभी हम देख रहे हैं कि कई सालों से छोटे बच्चों में जहाँ अपन बोलते हैं कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है उनमें चश्मा लगने का प्रमाण बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। मुझे याद है कि मैं जब स्कूल में था तब पूरे स्कूल में 4-5 लोगों को ही चश्मा था, पूरे स्कूल में। अभी हर क्लास में 10 लोगों को चश्मे आ गए हैं, तो इसका कारण भी जो है कि जो कम उम्र में बच्चों के आँखों के ऊपर जो तनाव गिर रहा है, अभी आपको मालूम है कि वर्क फ्रॉम होम जैसा स्कूल भी घर से ही चल रही है, बीच में कोरोना के ज़माने में सब मोबाइल के ऊपर ही सब पूरा स्कूल चल रहा था। अभी भी काफ़ी चीज़ें बच्चों के हाथ में आप मोबाइल देखे उनके आँखों की अभी डेवलपमेंट होना है, तो वो जो मोबाइल का जो तनाव है या जो भी आप ज़्यादा टीवी देखते हो, मोबाइल ज़्यादा देखते हो, स्क्रीन लैपटॉप के ऊपर ज़्यादा काम करते हो, तो अपने उम्र के पहले 6 साल बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इसके ऊपर ज़्यादा अतिरिक्त तनाव आ गया तो ये बच्चों को बहुत जल्दी से नंबर आते हैं, और ये बात बहुत दुख की है कि इनको जो नंबर आते हैं ये बहुत बड़े बड़े नंबर आते हैं। अभी आप देखेंगे ये 9-10 साल के लड़के को 10-10, 12-12 नंबर आने लग गए हैं, और ये बच्चों का जो भविष्य है ये काफ़ी खतरे में है। इनको करियर जो है चश्मे के कारण काफ़ी करियर इनको मिलते नहीं है, आज चश्मे के कारण काफ़ी करियर उनको नाकारे जाते हैं। जैसे किसी को फौज में जाना है, पुलिस भर्ती है, पायलट होना है, आर्मी ज्वाइन करना है, ये MPSC UPSC के काफ़ी एग्ज़ाम में भी है, पर्सनालिटी ओरिएंटेड जॉब है, ये बच्चों को ये जो भवितव्य है इनका ये चश्मे के कारण या दृष्टि दोष के कारण काफ़ी खतरे में है। और अपने यहाँ शादी की लड़कियाँ जिनको चश्मा है उनको नकारा जाता है कि ये मानो कोई दोष है, तो ये भी लड़कियों को काफ़ी परेशानी हो रही है शादी या जमाने में। तो ये शिविर का मुख्य उद्देश्य जो है, बाकी तो बीमारियां हम सब करते ही है, तिरछापन है, मोतियाबिंद है, काज बिंदु है, ये तो जो है ये तो पारंपरिक जो उपचार है वो करते ही है, मगर ये शिविर में हम ज़्यादातर वो बीमारियों के ऊपर ख्याल देते जो बाकी लोग नहीं दे पा रहे, उसके ये बीमारियों की खबरदारी जो है या ट्रीटमेंट है। अभी इसमें विशेषकर कॉन्ट्यूरा बोलकर जो नई ट्रीटमेंट आई है उसका उपचार हम करते हैं। अभी दुनिया की सबसे अत्याधुनिक उपचार पद्धति चश्मा उतारने की समझी जाती है, जिसमें सिर्फ चश्मा ही नहीं उतरता तो चश्मे की दृष्टि जो 100% है तो ये कॉन्ट्यूरा करने के बाद विजन 120% हो जाता है, यानी 15-20% विजन चश्मे से जो दिखता है उससे ज़्यादा दिखता है। ये पहले नासिक में नहीं होता था, नासिक तो हम 25 सालों से करते हैं, मगर ये पिछले 3.5-4 साल से कॉन्ट्यूरा जो कर रहे हैं ये ज़्यादा फायदेमंद नज़र आ रहा है। और विशेषकर जो अभी कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं लड़के उनको तो फायदेमंद ही है, मगर अभी ये ट्रीटमेंट 40 के बाद भी जिनको दूर का नंबर है और नहीं चाहते उनका भी नंबर उतार सकते हैं। फिर ऐसा कुछ रहा नहीं कि भाई कम उम्र के बच्चों में करना चाहिए। अभी आपको और एक मजे से बात बताते हैं कि हमारे यहाँ एक ऐसी लेंस आई है उसको हम रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज बोलते हैं, कि जिसकी उम्र 55-60 के करीब है कि ऐसा समझो कुछ दिनों के बाद उसको मोतियाबिंद होने वाला है,
अभी वो आँख की अंदर की लेंस की जो उम्र है 55-60 की, ये लेंस हम बदल सकते हैं। और अभी एक लेंस ऐसी आई है जिसकी उम्र 120 साल है। मतलब ऐसा हुआ कि आपके आँख के अंदर की लेंस हम चेंज करते हैं तो आपको 120 साल मोतियाबिंद होगा नहीं, दो। और आपके आँख में जो यानी 85-60 के आसपास जो चश्मे के नंबर आते हैं, दूर का है, नज़दीक का है, वो भी नंबर इसके साथ उतर जाते हैं। ये नई लेंस जो है ये निर्दोष विजन देती है। नई ऐसा नए संशोधन आते हैं, इसको रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज बोलते हैं। तो इवन 55-60 के उम्र के लोगों को भी नंबर भी चले जाता है और 120 साल मोतियाबिंद भी नहीं होता है। ऐसे नए नए उपचार पद्धतियाँ इसमें आई है। इसका फायदा विज्ञान का जो है ये लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हो। शिविर का उद्देश्य यही होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ और उनका ये फायदा विज्ञान का वो लोगों तक पहुँचा पाए। सर आपका नाम बता दीजिए और अहमदनगर में जो आपका हॉस्पिटल है वहाँ का पूरा एड्रेस बता दीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर प्रकाश कांकरिया। मैं महाराष्ट्र राज्य नेत्र तज्ञ संगठन का अध्यक्ष हूँ। मैं अखिल भारतीय रिफ्रैक्टिव सोसाइटी इंडिया इसका फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ, यानी संस्थापक अध्यक्ष हूँ। और हमारी हॉस्पिटल का जो साई सूर्य नेत्र सेवा, ये अहमदनगर के हॉस्पिटल का नाम है। जब खुजली होती सुबह सो के उठे तो पानी नहीं जाता आँखों में। कहाँ से आए आप? मैं रोशन गेट पत्नी चौक। आपका नाम क्या है? खदीर खान। सविता यादव है, मैं औरंगाबाद माड़ा कॉलोनी से रहती हूँ। मैंने कल पेपर में पढ़ा, इसीलिए आज आँख दिखाने आ गई। क्या प्रॉब्लम थी आँखों में आपके? ये आँखों में है ना सफेद हो गया है थोड़ा सा, और कम नज़र है तो वो अच्छा आँख होने के लिए मैं आ गई। पहली बार तब आए आप यहाँ? हाँ, मैं आज ही आई फर्स्ट बार। आपको पूरा नाम बोल दीजिए। सविता बाला साहब यादव। सर आपका नाम बताइए। डॉक्टर कंकरिया साहब का शिविर चल रहा है जी, तो आप किस लिए आए इस बारे में? जगमीत सिंह ओबरॉय है मेरा नाम। हमारी बेटी को चश्मा है और इनका एक्चुअली मैंने पेपर में पढ़ा था और फिर मैंने कॉल करके अपॉइंटमेंट ली। तो मैं सुबह 9:30 बजे आया हूँ तो मुझे नंबर भी लग गया। बेटी का चेकअप हुआ है, अब डॉक्टर साहब से मिलना है खाली और उनसे मशवरा करना है कि मतलब क्या प्रॉपर आगे इसके लिए। उसको चश्मा है ऑलरेडी तो हमने लैसिक पे करना है, उसके चश्मा उतारने के लिए वो गाइड करेंगे हमें और हम लोग उस हिसाब से आगे चलेंगे। सर आपने बताया कि आप आपकी बेटी के लिए आए हैं बताने जी, के लिए तो जी। आपकी बेटी एजुकेशन अभी कॉलेज वगैरह में? हाँ जी, कॉलेज में है, फार्मेसी कर रही है, थर्ड ईयर फार्मेसी में है वो। और हम आगे मतलब देख रहे हैं क्या बच्चों को होता है, स्पेशली अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसके लिए हम यही सोचते हैं कि मतलब उनका चश्मा ना रहे आगे। मैं औरंगाबाद में ही रहता हूँ, बीड़ बाईपास पे। हकीम सर आपका नाम बताइए और आप यहाँ पर डॉक्टर कंकरिया साहब के पास किस ताल्लुक से हैं? मेरा नाम शेख रईस अहमद है, मैं मेरी बच्ची को बताने के वास्ते आया। क्या प्रॉब्लम थी आपकी बच्ची में? उसको जरा आँखें के यानी देखने में प्रॉब्लम था। पेशेंट आए यहाँ पर उस बारे में बताइए। तकरीबन अभी 180 पेशेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ है और आज तकरीबन 200 के ऊपर पेशेंट आ ही जाएंगे और जितने भी आ जाएंगे उनका सभी का चेकअप किया जाएगा और जिनको सर्जरी एडवाइस करते हैं सर उसी हिसाब से उनको डेट दे के उनका ऑपरेशन अहमदनगर में किया जाएगा और हर प्रकार की सर्जरी की जाएगी, जैसे कि नेत्रोपण से लेके चश्मे का नंबर जो रिमूव करना है वो चीज़ का, कैटरेक्ट का, काचबिंदु का, तिरेपना का, हर चीज़ का ऑपरेशन किया जाएगा। सर आज टारगेट कितना रहेगा कम से कम? नहीं, अभी 200-250 तक तो पेशेंट आ ही जाएंगे और अभी 180 पेशेंट हुआ है। ऐसे टाइमिंग 10 से 1 बजे तक पेशेंट को दिया है, 1 बजे तक जितने पेशेंट है उनका शाम तक कितना भी देर हो जाएगा वहाँ तक उस टाइम तक चेकअप हो जाएगा। केदार सर यहाँ पर अभी हमने पेशेंटों से बात की है तो उनका कहना था कि ये टाइमिंग जो है 10 से 2 तक रहता है और पेशेंट दूर दूर से आते हैं, तो टाइमिंग में बढ़ाने का कुछ प्रयास करेंगे क्या? नहीं, 2 बजे तक भी आ जाते, 200 पेशेंट हो जाते हैं तकरीबन। 200 पेशेंट को भी चेकअप करते करते हमें 5-6 बज जाता है तो तकरीबन ज़्यादा पेशेंट आ जाएगा तो फिर लेट भी काफ़ी देर तक हो जाएगा, पेशेंट को फिर रिटर्न जाने में काफ़ी तकलीफ हो जाएगी। नेक्स्ट शिविर कब रहेगा और आपका पूरा नाम बोलिए? मैं साई सूर्य नेत्र सेवा का प्रशासनिक अधिकारी रामदास केदार हूँ और नेक्स्ट शिविर अभी पेशेंट के जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से 1-2 महीने में फिर दोबारा औरंगाबाद में आ जाएंगे।
बाहर दूर दूर से पेशेंट आए हुए हैं, तो पेशेंटों को कहना ये है कि ये इसका जो टाइमिंग है 10 से 2 बजे तक, ये पुरता नहीं है, तो टाइमिंग को बढ़ाने के कुछ है क्या आपके पास माइंड? वो मतलब अभी वो पेशेंट के हिसाब से रहता है कि कितने पेशेंट आएंगे, ऐसा वो फिर सर तय करते हैं कि कितना टाइम रखने का। ऐसा अगर पेशेंट का कहना है तो अगली बार थोड़ा ज़्यादा देर रखेंगे सर। ऐसा आपका पूरा नाम? डॉक्टर चिन्मय ब्रह्मे।